मुकुंद्रा में एमटी टू की मौत का ये पूरा मसला है। एमटी टू के पोस्टमार्टम में हार्ट पंक्चर मिला, एमटी वन के साथ संघर्ष की बात भी निकलकर सामने आ रही है। मुकुंद्रा में एमटी टू की मौत का प्रकरण, ये बड़ी अपडेट है। एमटी टू के पोस्टमार्टम में हार्ट पंक्चर मिला, इसके साथ ही एमटी वन के साथ संघर्ष की बात भी कही जा रही है, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। तीन दिन पहले ही हो चुकी थी एमटी टू की मौत, लेकिन आज हॉफ और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। एनटीसीए के प्रतिनिधि तक का नहीं किया गया इंतजार, और साथ ही कई सवाल भी इसके साथ ही खड़े होते हैं। क्या अब सरकार करवाएगी डीएफओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। बड़ी अपडेट भी निकलकर सामने आ रही है कि हार्ट पंक्चर मिला और उसके साथ एमटी वन के साथ संघर्ष की बात भी निकल रही है, और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ निर्मल तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। निर्मल, क्या कुछ कड़ियां निकलकर सामने आ रही है, क्या कहा जा रहा है? जिसको बहुत अपेक्षाओं और उम्मीदों के साथ बनाया गया था, लेकिन जिस तरह से एक टाइगर रिजर्व की हत्या की जा रही, क्योंकि ये कोई किसी बाघ की हत्या या बाघ की मौत नहीं है, बेसिकली एक टाइगर रिजर्व की मौत है। टी मोहनराज, यहाँ पर डीएफओ का सीधा नाम लेकर के बताया जाएगा, उन्होंने जिस तरह से लापरवाही उनके प्रबंधन में रही है, पहले एमपी थ्री की मौत हो जाना, उसके बाद आज एमपी टू की मौत हो जाना, क्योंकि बेसिकली सबसे पहले स्वास्थ्य मीडिया ने बताया था कि 31 जुलाई से ही लगातार एक ही जगह सिग्नल आ रहे थे एमपी टू के, यानी कि 6 घंटे अगर किसी बाघ या बाघिन के एक ही जगह सिग्नल आते हैं तो जो मॉनिटरिंग टीम होती है, ट्रैकिंग टीम होती है, उसको ट्रैक करते हैं कि क्या कारण है कि एक ही जगह इतनी देर से इस बाघ या बाघिन को हो गया है, और किसी बाघ या बाघिन को 72 घंटे तक एक ही जगह सिग्नल आ रहा है, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ थी। लेकिन उसके बावजूद टी मोहन राज और उनकी जो टीम थी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और आखिर एमटी टू की भी मौत हो गई। बड़ी उम्मीदों से उसको लाया गया था, और बड़ी बात है कि एनक्लोजर के बाहर अगर मौत होती है तो समझ में आता है, लेकिन एनक्लोजर के अंदर अगर मौत होती है तो निश्चित तौर पर एक आपराधिक कृत्य है ये, क्योंकि जिस तरह की सूचना अब आ रही है कि एमटी वन के साथ उसका संघर्ष हुआ और उसके अंदर उसका हार्ट पंक्चर हो गया, उसके हार्ट के अंदर 1.5 इंच से ज्यादा का एक छेद पाया गया, घाव पाया गया है, और उसकी मौत 31 जुलाई को ही हो चुकी है, और आज 3 अगस्त को अगर उसको ये पता किया जा रहा है वहां पर मॉनिटरिंग टीम के द्वारा उसकी मौत हो जाती है, तो निश्चित तौर पर एक आपराधिक कृत्य है। इससे भी बड़ी बात कि प्रमुख सचिव जो विभाग की है श्रेया गुहा, हमारी उनसे बात होती है, वो कहती है कि इसकी पोस्टमार्टम इसका कल कराया जाएगा, यानी 4 अगस्त को एनटीसीए की टीम और विभाग के जो वरिष्ठ चिकित्सक है उनकी मौजूदगी में कराया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो हॉफ है, यानी हेड ऑफ फॉरेस्ट है राजीवी रेड्डी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर, दोनों की मौजूदगी में बहुत ही रहस्यमय तरीके से आज बिना विभाग की प्रमुख सचिव विभाग के मंत्री की आज्ञा के बिना उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, और उसका अचानक अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है एनटीसीए की टीम से आने के पहले, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरा रहस्य नजर आता है, एक कॉन्स्पिरेसी नजर आता है। एनटीसीए की टीम का भी इंतजार नहीं किया गया, पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए।